एपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है? एपर्चर ऑफ द लेंस, देखो एपर्चर का मतलब होता है जैसे एक लेंस है, ये तो कर्ड होता है ऐसे, लेकिन जब इससे लाइट पड़ती है और इससे जाके रिफ्रैक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो इसका जो इफेक्टिव एरिया ही आता है, इफेक्टिव एरिया का डायमीटर। मतलब आप ध्यान रखिएगा, एक लेंस तो खैर सर्कुलर होता है, मेरे पास रखा है तो हम बात दिखा भी सकते थे तुम्हें, एक सेकंड लाते हैं। अब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये इधर से उभरा हुआ है, ये इधर से उभरा हुआ है। अब इस पे जब लाइट पड़ेगी तो बेटा देखो इस पूरे हिस्से पे पड़ेगी ये लाइट, ये तो हमें उभार से कोई मतलब नहीं है, ये जो एक इमेजिन कर लो इसके बीच से एक प्लेट जा रही है, जो मतलब इसके बीच से एक सर्कुलर प्लेट जा रही है अंदर से बिल्कुल, क्योंकि ये हल्का सा बल्किंग ऐसे बनाते हैं, लेंस ऐसे बनाते हैं ये, तो अंदर आप एक प्लेट मानिए, सर्कुलर प्लेट ऐसे मानिए, उसका जो डायमीटर होता है उसे एपर्चर कहते हैं। तो ये लेंस का जो आपका लाइट ट्रांसमिशन का जो एरिया होता है, इफेक्टिव एरिया, उसका जो डायमीटर होता है अंदर, जो देखो अगर आप इसे सर्किल ही पूरा मान लो, आप इसकी मोटाई को भूल जाओ, तो ये सर्किल है तो सर्किल का अपना एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसका जो डायमीटर होता है वो बेटा एपर्चर कहलाता है। तो एपर्चर को क्या लिख सकते हो, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। तो इफेक्टिव डायमीटर मतलब आप फिर से सुनिएगा, जो ये सर्किल बना उसका जो डायमीटर आएगा, ये डायमीटर उससे हम एपर्चर कहते हैं। और लेकिन ये देखा गया है बेटा कि आप जानते भी होंगे हालांकि, इस लेंस से गुजरने वाली लाइट की जो इमेज बनेगी वो इसके एरिया पे डिपेंड करती है। अगर मैं इसका आधा एरिया ब्लैक कर दूं, लाइट आधी जाए तो एरिया आधा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया पूरा तो इंटेंसिटी, अगर आई इंटेंसिटी की इमेज बन रही है, माने पूरा एरिया से हम लाइट डालें, आई इंटेंसिटी की लाइट बन रही है, आधा एरिया ढक दें तो इंटेंसिटी इज हाफ, क्योंकि आधी लाइट जाएगी तो हाफ हो जाएगा, करेक्ट। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया is called aperture। ये आ गया aperture। तो concept क्या निकला एक तरह से कि intensity of image I intensity of image I इस प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर, और एपर्चर एक तरह से डायमीटर है, तो इस प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, करेक्ट। पावर ऑफ द लेंस की बात करते हैं, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। तो देखिए पावर ऑफ लेंस पी से लिखते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पी इज इक्वल टू 1/f, लेकिन कंडीशन है अगर 1/f आर लगाएंगे तो फोकल लेंथ को मीटर में लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कर लें तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो आप ऊपर 100 कर दो, या आप कह सकते हो पी लिखना है तो 100/f कर दो, तब f सेंटीमीटर में लिख सकते हो, या तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीटर में लेना, सॉरी ऐसे 1/f लिखना तो मीटर में लो, अदरवाइज सेंटीमीटर में ज्यादा डेटा दिया तो 100/f कर लो। यूनिट ऑफ पावर आपको पता डायोप्टर होता है, यूनिट ऑफ पी इक्वल टू डायोप्टर, इसे हम डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, आप देखो बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगी। तो पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स की पावर नेगेटिव है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। बच्चे तो ये कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस, नहीं, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का सेंटर नहीं होता, वो तो बाहर भी हो सकता है। एक हम थिक लेंस ले रहे हैं, क्योंकि थिन लेंस तो एक कंडीशन हो गई, यह है किसी लेंस पे अगर लाइट रे ऐसे पड़ती है, ये इंसिडेंट रे है बेटा,
रिफ्रैक्शन के बाद वो कुछ ऐसे जाती है मान लीजिए ये, और इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाली लाइट ये रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से जाए कि ये जो इंसिडेंट रे का रास्ता था और एमर्जेंट रे का रास्ता पैरेलल हो जाए, तब तुम कहोगे ये जो पॉइंट था ये ऑप्टिकल सेंटर था। यानी ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट व्हेन एमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। डेफिनेशन को उल्टे ऑर्डर में ले जाएंगे, आप बना लो डायग्राम फिर बताते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, देखो मैं ऐसे डेफिनेशन बना रहा है, इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन एमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे देन द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन एमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे, अगर हो जाए, इफ हमेशा नहीं होता है बेटा, इंसिडेंट रे देन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट, रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट is called optical center, इसे optical center कहते हैं, इसे अक्सर C से हम लिखते हैं। और एक खास बात समझिएगा, अगर इसका radius of curvature R1 है, इसका radius of curvature R2 है, और ये pole अगर P1 है, और ये pole बेटा अगर मान ले P2 है, तो देखो बेटा इस lens की thickness को हम अगर ऐसे divide कर लें, मान ले इधर वाली thickness T1 आ गई, और इस वाले हिस्से की thickness अगर T2 आ गई, तो ऑप्टिकल सेंटर जानते हो किस जगह पर होता है, ये बड़े ध्यान से दिमाग में रखिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस की पूरी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, उसको जिस रेशियो T1 अपॉन T2 में बांटता है वो R1 बाय R2 के बराबर होता है। मतलब क्या आएगा, यहां देखिएगा, हेयर थिकनेस यानी ये T1 और ये T2 का रेशियो इज इक्वल टू R1 बाय R2 होता है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू R1 R2 के रख रहे हैं, हमें साइंस से मतलब नहीं। तो तुम क्या कह सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट द सेंटर ऑफ द लेंस, नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या आया, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ लेंस, थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यानी तुम ध्यान रखो T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 बाई R2। इसमें एक काम और करें, देखो बेटा ये जो T1 है, अगर आप इसको जरा सा इसके जो लेबल्ड पॉइंट है उनके टर्म में लिखो, देखो ये T1 जो है इसको हम लिख सकते हैं CP1 और T2 को लिख सकते हैं CP2। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, T1 upon T2 is equal to CP1 upon CP2 is equal to R1 by R2। थोड़ा हमें कुछ जगह पर ये मदद करेगा इसलिए हमने लिखा। बोले बेटा ये बात क्लियर है सबको। अब तुम कहोगे सर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर लाइट रे जाती है तो अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है, वो थिन लेंस के लिए। आप देखो बेटा अगर इस लेंस की थिकनेस कम होती जाए तो तुम्हें पता है जब थिकनेस कम होती है तो लेटरल शिफ्ट जो होता है वो कम होता है। तो ग्लास स्लैब में लेटरल शिफ्ट बताया था, तो याद करो वो लेटरल शिफ्ट जो होता था वो थिकनेस टी पे भी डिपेंड करता था। अगर ये लेंस पतला होता जाएगा तो ये गैप कम होता जाएगा और जिस रास्ते पे इंसिडेंट रे को जाना था उसी रास्ते पे एमरजेंट रे जाती है, तब ये पॉइंट वही डेफिनेशन फॉलो करता जो आपसे अभी मैंने डिस्कस किया। इन अ थिन लेंस ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट, पॉइंट एट विच
इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट, लाइट रे इज इंसिडेंट, इट गोज या इट पासेज अनडेविएटेड, वो अनडेविएटेड पास हो जाती है। तो अगर थिन लेंस का आपको डायग्राम बनाने का बात आए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये थिन लेंस आपने ले लिया तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर लाइट रे गुजरेगी तो सीधे निकल जाएगी, इसी इसे लिख लो। इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस, मतलब पहला सरफेस प्लेन रखें या दूसरा रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव। एक डायग्राम बना रहा हूं, अगर उससे ना इतना अच्छा रहा तो फिर दूसरा बनाएंगे। देखो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लिया तो पता है ये P1 है, जैसे ये फर्स्ट पोल होता है P1 हुआ, ये P2 है, तुम्हें ये भी पता है ये R1 है और ये क्या है R2 है। R1 प्लेन सरफेस का इंफिनिटी है, रूल के अनुसार देखो क्या CP1 अपॉन CP2 R1 बाय R2 होता है। तुम कहो सर C यहां पर दिखाइए, नहीं दिखाएंगे, C दिमाग में रखो कि यार C कहीं पर होगा उससे P1 की दूरी और C कहीं पर होगा उससे P2 की दूरी का रेशियो ये होता है। तो आप ये लिखोगे सिंस सी पी वन, सी दिमाग में रखो कहीं होगा, इक्वल टू आर वन बाई आर टू, इसको उल्टा कर लो, इसलिए सी पी टू अपॉन सी पी वन इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, सी पी टू अपॉन सी पी वन इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, इन्फिनिटी है और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, इसका तब सी पी टू अपॉन सी पी वन इक्वल टू जीरो, इसका तब CP2 इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, C और P2 के बीच की दूरी जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है जो C है वो यहीं पर है। देखो C और P2, C और P2 के बीच की दूरी ये है, तो इसका मतलब C इसी पॉइंट पर है, इस जगह पर है। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर अब अंदर आ रहा है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल सरफेस से भी जा रहा है। और जो हमने कॉनकेवो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लिया था उसमें तो ये बाहर चला जाता है। जरा आप उसमें बनाइए, ये मैं डायग्राम हटा रहा हूं। तुम कहोगे सर आपने प्लेनो कॉन्वेक्स में लिया, जरा प्लेनो कॉनकेव में बना लेते हैं। बताओ बेटा प्लेनो कॉनकेव में बनाइए, ये P1 है, ये P2 है, ये बेटा R1 इंफिनिटी है, R2 जो है कुछ होगा, माइनस प्लस है कोई महत्व तो नहीं है, C कहीं होगा, ऐसे ही सॉल्व करो। क्या लिखोगे, सी पी वन अपॉन सी पी टू इक्वल आर वन बाई आर टू, रिवर्स कर लिया R2 बाई R1, R1 इज इन्फिनिटी, ये आया, इसका मतलब है CP2 जीरो है, यानी C यहीं पर। तो लबो लो अब क्या निकला, जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव लेंस होगा तो उसका ऑप्टिकल सेंटर जो कर्ड सरफेस है उसके पोल पर होगा। इससे एक और मतलब निकला कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, जो सर देखो ये सर देखो बेटा, इसका एक अर्थ निकला क्या, ये सरफेस लगभग प्लेन है यानी लेस कर्ड है, ये थोड़ा कर्ड है, तो ऑप्टिकल सेंटर जो कर्ड सरफेस होता है उसके नजदीक होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ऑप्टिकल सेंटर इज क्लोज टू द मोर कर्ड सरफेस एंड इट मे बी आउटसाइड द लेंस ऑल्सो, हेंस ऑप्टिकल सेंटर सी इज क्लोज टू the more curved surface, more curved surface, मतलब जिन जो दो सरफेस आपने लिए हैं पहला और दूसरा, इसमें जो ज्यादा कर्व सरफेस है उसके नजदीक होता है। इवन प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव में तो सीधे का सीधे ऑप्टिकल सेंटर इज द पोल ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो ये आप लिखना चाहे कह सकते हैं, हर चीज लिखने से क्या है आ तो गया ना रिजल्ट, कि ऑप्टिकल सेंटर इज एट द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस। तो यहां से कंक्लूजन जरूर अच्छा निकला, ऑप्टिकल सेंटर इज क्लोज टू द मोर कर्व सरफेस ऑफ द लेंस। दूसरा, इट मे बी आउटसाइड द लेंस, लेंस से बाहर भी हो सकता है, तुमको वो कौन सा लेंस है, तो इसका एग्जाम्पल ये उठा के यहां ला रहे हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस।
ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस. हाँ, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 सेम होता है तब ये बीच में होता है. यस सर.